हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम तिवारी है। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर। सो गाइस, ये डेल का लैपटॉप का मदरबोर्ड है। ये BOVA00LA और 9104P ये मॉडल नंबर है। और मैं इसमें देखूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसमें ये शॉर्टिंग है ये, और ये डेड कंडीशन में अभी है ये मदरबोर्ड। और मैं इसे कैसे रिपेयर करते हैं तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लास्ट तक बताऊंगा, और इसमें समस्या कहाँ आती है, और इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग वगैरह शॉर्टिंग कहाँ से होती है, और कौन सी आईसी इसमें सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग होती है, मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। और मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले मैं इसमें डीसी पावर सप्लाई मशीन में लगा के चेक कर रहा हूँ, तो इसमें लगाता हूँ। जैसे ही ये मैं दिखाऊंगा आपके लिए डीसी में, मैं लगाऊंगा इसे, लग नहीं रहा। ये इस तरीके से अब मैं हटा रहा हूँ, इस तरीके से कर दिया है। अब फिर से मैं लगाऊंगा, ये इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम है। मैं डीसी पावर सप्लाई वाली मशीन के लिए सही से नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो हमारी डीसी पावर सप्लाई की जो मशीन है वो अलग लगी हुई है, तो इसमें ये आईसी हीट हो रही है, तो मैं इसमें एक फिजिकली इसमें चेकिंग करना होता है, टेस्टिंग कहीं इसमें आईसी वगैरह तो जली हुई तो नहीं है। तो इसमें ये डस्ट वगैरह है, और यहाँ ये कभी मदरबोर्ड ये लैपटॉप खुला नहीं था, और इसमें जब से लिए कस्टमर ने, और ये फर्स्ट बार खुला है, और मैं इसमें ये यहाँ हीट हो रहा है, और मैं इसे चेक करूँगा सबसे पहले। मैं इसमें सब रेड वाली पॉप के लिए मैं ये यहाँ ग्राउंड पे लगाता हूँ, और रेड वाली ग्राउंड पे, और मैं इससे ये सबसे पहले मैं इसे बीप बोल्ट पे सेट करूँगा मल्टीमीटर के लिए। और ये मदरबोर्ड आप लोगों के लिए देख रहा है, बीप पे सेट किया है, और मैं इसे शॉर्टिंग देख रहा हूँ कहाँ। यहाँ शॉर्टिंग है, तो मैं इस वॉल स्पीड को चेक कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ओके, मदरबोर्ड में थोड़ी है,
डीसी सप्लाई पावर सप्लाई का है, ये स्विच लगा के देखता हूँ कहाँ हीट हो रहा है। ये यहाँ हीट हो रहा है, चेक करके दिखाता हूँ। और इसमें जो ये मॉस्फेट है दोनों, तो इसमें ये ही इसी सेक्शन में ये हीट हो रहे हैं, और ये PQ2205 ये मॉस्फेट है। पावर कैपेसिटी मैं इन दोनों को चेंज करूंगा, और मैं अभी दूसरे वाले मदरबोर्ड से एक कैपेसिटर को निकालूंगा और इसकी जगह दूसरा लगा दूंगा। इन्हें दोनों मॉस्फेट को निकालता हूँ और फिर इसमें देखता हूँ शॉर्टिंग इसमें रहेगी या नहीं। तो पहले मैं इन दोनों मॉस्फेट को निकालूँगा मदरबोर्ड से, फिर मैं इसकी जगह आपके पास से ये ओल्ड मदरबोर्ड हूँ तो उसमें से आप अपना काम चला सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ओल्ड मदरबोर्ड काम आते हैं इन चीज़ों में। मेन निकाल के दिखाऊंगा आपके लिए, पता चल जाएगी। और ये अभी चेक करके दिखाऊंगा इनमें से कौन सा मॉस्फेट शॉर्ट है। निकल के हो गया, मैं भी निकाल देता हूँ। दोनों मॉस्फेट को निकाल दिया है मैंने, और मैं अब इसमें शॉर्टिंग देखता हूँ। ये देखता हूँ इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं, अब नहीं दिखा रहा है। देखो इन मॉस्फेट ही शॉर्ट थे और इसमें शॉर्टिंग बिल्कुल निकल गई है। अब ये भी मॉस्फेट सही से बोल भी करने लगे हैं, बाकी सब इसमें यही शॉर्टिंग थी। और मैं अंत भी चेक करके दिखा रहा हूँ,
मैं इसकी जगह मैं माउस पैड चेक करके दिखाता हूँ आपके लिए कौन सा माउस पैड ये शॉर्ट है इसमें। ये शॉर्ट दिखा रहे हैं और दूसरा दोनों